खबर आ रही मुंबई के कुरार पुलिस स्टेशन से, जहां कोरोना महामारी के दौरान बंद घरों में चोरी करने वाले गिरोह को पकड़ने में कुरार पुलिस स्टेशन को भारी सफलता मिली है। इस गिरोह के गिरफ्तार पांचों सदस्य मोहसिन शेख, प्रदीप यादव, कृष्णा राणा, शुभम बामने व गणेश काउंडर बहुत ही सातिर हैं और कुरार सहित मुंबई के कई पुलिस स्टेशनों जैसे अंबोली, वर्सोवा, डीएन नगर, बांद्रा, डिंडोसी, कांदीवली, मालाड के क्षेत्रों में इन्होंने चोरी, घरफोड़ी जैसे अपराध को अंजाम दिया था। या तो ये जेल में सजा काट रहे थे और इन्हें कोविड-19 बीमारी के चलते पैरोल पर ठाणे और आर्थर रोड जेल से छोड़ा गया था। इस गिरोह को पकड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका कुरार पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक बाबा साहेब सालुंखे के मार्गदर्शन में कुरार के एपीआई व सुपर कॉप जी घाड़गे व उनकी टीम ने निभाई। इस मौके पर मुंबई जोन 12 के डीसीपी डॉक्टर स्वामी सर ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं उसके प्रमुख अंश। पुलिस स्टेशन में आपने चोरी करने वाले गिरोह को पकड़ने में कुरार पुलिस स्टेशन में पिछले कुछ दिनों में जो घरफोड़ियां हो रही थी उसके अकॉर्डिंगली जो है वो डिटेक्शन का टीम सीनियर किया है, सबने अच्छा यहाँ पे डिटेक्शन किया है। इसमें 8 घरफोड़ी जो है वो 8 घरफोड़ी हमारी मतलब डिटेक्ट हो चुकी है और इसमें 5 आरोपी अभी तक हमने अरेस्ट किए हैं। जैसे पहला जो आरोपी है वो पहला आरोपी रिकॉर्ड पे हमारे भी रिकॉर्ड पे था, अंबोली के रिकॉर्ड पे है, कुछ जगह पे जोगेश्वरी में भी कुछ एरिया में रहते हैं लोग, उसको हमने पहले अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद हमको पता चला कि उसके साथ और भी कुछ लोग हैं, वो 4 लोग जो है, 4 लोग भी हमको अंबोली और जोगेश्वरी वेस्ट का जो रेलवे ट्रैक है वहाँ पे उन्होंने अपनी एक जगह कर ली है, उस जगह में वो वहाँ पे वहीं पे रहते हैं और वहीं से हमने उनको अरेस्ट कर लिया। उनके साथ कुछ मोटरसाइकिल भी हमको मिली है, वो खुद 220 पल्सर R15 है, कुछ उनके पास मोटरसाइकिल है, वो जो मोटरसाइकिल है वो मोटरसाइकिल वो यूज करते हैं ऐसी ये घरफोड़ियां करने के लिए, और उसमें से अप्रोक्सीमेटली 5-1 लाख रुपए का जो पूरा मुद्देमाल है मुद्देमाल पूरा हमने हस्तगत किया है। बेसिकली जो घरफोड़ी से जो माल जैसा चोरी हुआ था वैसा ही उनके पास हमको रिकवर हुआ है। और इसमें जो कुछ कोविड के जो अभी कुछ आरोपी जो है वो जो पैरोल में छूटे हैं उनमें से ये सब आरोपी है, 4 आरोपी, और एक जो आरोपी है वो उसमें पहले तो कुछ ऑफेंस नहीं है, बाकी सब लोगों के ऊपर ऑफेंस है। ऐसा वो पूरा डिटेक्शन हुआ है, 11 मोबाइल उसमें रिकवर हुए, लैपटॉप रिकवर हुआ है, कुछ ऑर्नामेंट्स रिकवर हुए, और ऐसा करके ये पूरा डिटेक्शन जो है हुआ है। और इनके ऊपर पहले भी बहुत सारे ऑफेंसेस थे, तो बेसिकली जो है और भी कुछ जो इंसिडेंट हुए हैं वो भी वो सामने इसमें घरफोड़ी के आगे आ सकते हैं।